आज सूर्यवंशम का प्रीमियर था, स्पेशल स्क्रीनिंग था, आप लोगों को कैसी लगी फिल्म? मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार, जैसे तो फिल्म बहुत अच्छी है, पूरे एंटरटेनिंग है, मसाला फिल्म है, तो डेफिनेटली फिल्म तो बहुत अच्छी है। एक साथ आप दोनों ही डायरेक्टर हैं, और पहले तो डायरेक्टर कैसा लगा, निर्देशक कैसा लगा, मतलब उनके निर्देशन में जो रजनी जी की नेशनल फिल्म बनी कैसी? नहीं कैसी लगी? चंदन जी, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, एक्शन, म्यूजिक या कहानी? देखिए ओवरऑल पूरी फिल्म अच्छी है, ठीक है। म्यूजिक, क्योंकि खुद म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो उन्होंने म्यूजिक क्लास हमेशा उनकी फिल्मों में बताई है। एक्शन बहुत अच्छा है, कहानी भी बहुत अच्छी है। मैंने क्या बोला, एक एंटरटेनिंग फिल्म है, और जो मिट्टी के लोग देखना चाहते हैं बिहार यूपी में फिल्में एकदम वैसी फिल्में हैं, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। जब पब्लिक जाएगी अंदर वो 100% हैप्पी होगी। आपको क्या अच्छा लगता है? बताया इन्होंने कि ओवरऑल पूरी फिल्म अच्छी है। फिल्म मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पूरी फिल्म तो फिल्म बहुत अच्छी। अगर आपके नज़र से देखूं, एक डायरेक्टर की नज़र से कुछ खामियां नज़र आई? मुझे तो ऐसा कुछ। चंदन जी आपको आई? देखिए अब खामियां निकालने जाएंगे तो 500 करोड़ की फिल्म, ठीक है। मैंने एक लाइन बोला, एंटरटेनिंग है फिल्म, ठीक है। हम 500 करोड़ की फिल्म में बैठ के देखने जाते हैं तो उसमें भी कमियां निकालते हैं, तो कमियों पे बात ही नहीं करनी है अभी। तो बेसिकली जो स्ट्रांग पॉइंट है वो ये है कि जब फिल्म देखने लग जाएगा तो 100% उसको अच्छी लगेगी। बिल्कुल, तो वापस एक दौर आएगा जो क्लास वो लगेगा कि पुराने संगीत जो हमारे यहाँ चलते थे, जो मिट्टी की वो थी, फोक सिनेमा, फोक म्यूजिक, सारा डायरेक्टर भी है, खुद म्यूजिक किए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पवन जी खुद सिंगर हैं, इतने अच्छे सिंगर हैं। और मुझे लगता है कि जो मेलोडियस पवन जी ने गाया है इस बार, जो मेलोडी है, साउंड उनका जो टिपिकल जिस हिसाब के लिए वो जाने जाते हैं पवन जी, वो गाने में उनके वॉयस और वो दिखता है। अच्छा, ये इस चीज़ का फायदा होगा, एक जो उनका स्त्री 2 में गाना आया और ये पॉपुलर भी हुआ, स्त्री 2 अच्छी जा रही है, उसका फायदा मिलेगा इस फिल्म को? देखिए स्त्री 2 से मुझे लगता है कि फायदा की बात नहीं, स्त्री 2 में पवन जी ने गा के, ठीक है, वो स्त्री 2 को बड़ा किया है। उनका एक अलग संगीत का जो जोनर है, खासकर ईस्टर्न यूपी वगैरह है या बिहार है, उनकी जो गर्मी है आवाज की, जो फीवर है उनका, लोग जो बिहार यूपी को सुनना चाहते हैं, तो स्त्री 2 में आने के बाद जो स्त्री 2 का क्लास था वो और चार चांद लगा दिखा है। बिहार यूपी में जो फिल्म का बिजनेस हुआ है, खासकर बिहार वगैरह में बहुत अच्छा, वो चार चांद लगा है उसको। अच्छा, अब फाइनली आप बताइए सर, आपकी नेक्स्ट फिल्म क्या आ रही है, प्रोजेक्ट बताइए, सब लोग जाना चाहते हैं। अभी सब कुछ पर्दे में है, पर्दे में रहने दो, जिस दिन पर्दा खोलेंगे उस दिन सबको पता होगा। सर आप बताइए सर कुछ, तो पवन जी की ही मेरी फिल्म है जियो मेरी जान, वो अभी रिलीज होने वाली है। वाह, एक बड़ी न्यूज़ आप दे रहे हैं, जियो मेरी जान आने वाली, कब कब तक? कुछ 10 साल तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।